ये हर जगह मिल जाएंगे रसिया के किसी भी पार्ट में। चलो चलते हैं। इन लोगों को कितना अच्छा लगता है शहद वगैरह, देखो ये किसी ने अपने घर पर डिजाइन करवा रखी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मौसम यहाँ का बहुत धोखेबाज है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से कोई धोखा नहीं हो रहा है। यहाँ पर कह सकते हैं कि दोबारा से सर्दियाँ आ गई हैं। यहाँ यहाँ बस 1-2 हफ्ते के लिए गर्मियाँ रही थी। अभी मेरी क्लास छुट्टी है, मैं हूँ फ्री, तो अभी चल रहे हैं घूमने के लिए। देखते हैं, सिटी का टूर करेंगे आज स्कूटर से। और यहाँ पर 2 दिन अभी स्नोफॉल भी हुई है, बिल्कुल 25-30 डिग्री टेम्परेचर जाने के बाद यहाँ पर 2-3 दिन अभी स्नोफॉल भी हो गई है, 2-4 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए। तो चलो चलते हैं आज और देखते हैं बाहर की सर्दी में यहाँ क्या मौसम है, कैसे लोग बाहर आए हैं। और आज घूमेंगे, घर जाएंगे स्कूटर से और पूरी सिटी का टूर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और मज़े लेते हैं आज के पूरे दिन में। और अभी ये है हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस। ये रास्ता आप लोगों की देखी हुई होगी अगर आपने पिछले व्लॉग्स देखे, और अभी बहुत ही गजब का हो गया, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पर हमारी क्लास छुट्टी, अभी और बच्चों की क्लास नहीं छुटी, तो आज यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है जो कि जनरली आप लोग देखते हैं जब हमारी क्लास छूटती है तो यहाँ पर भीड़ होती है। लेकिन हाँ, ये है कि जो रास्ता सर्दियों में दिखता नहीं था, बिल्कुल पता नहीं चलता था, वो अभी देखो यहाँ पर कितना मस्त हो गया, बहुत ही बेहतरीन हो गया। तो यहाँ से अभी निकलेंगे, पहुँचेंगे रोड पर, उसके क्रॉस करने के बाद अपनी फेवरेट जगह गस्तनी पहुँचेंगे। वहाँ पर बहुत सारे स्कूटर्स होंगे, तो वहाँ से उठाएंगे स्कूटर और देखेंगे जो रास्ते में जहाँ पर एक पार्क है, उस पार्क में क्या भीड़ है कि नहीं है, क्योंकि सर्दी है तो हो सकता है ना हो भीड़ आज। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लोगों का मूवमेंट तो है ये। हाँ बिल्कुल, ये हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि बच्चे ही आ सकते हैं। यहाँ पर देखो जगह अच्छी है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग भी घूमने आ रहे हैं। और यहाँ से अभी हम चलेंगे बाहर और देखेंगे वहाँ पार्क में लोग वहाँ बैठे हैं कि क्या है, उसके बाद पहुँच के घसने से उठाएंगे स्कूटर, फिर निकलेंगे घर के लिए। और घर थोड़ा सा दूर है तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, 2-3 पार्क्स भी मिलेंगे, देखेंगे क्या मूवमेंट है आज। थोड़ा हल्का तो लग रहा है क्योंकि सर्दी हो जाती है तो लोग बहुत कम बाहर निकलते हैं गर्मियों में। चलो चलते हैं। पहले सब्सक्राइब कर लो मेरे यूट्यूब चैनल को रसिया के व्लॉग देखने के लिए। और यहाँ पर रसिया के व्लॉग देखने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर कोई इंग्लिश नहीं बोलता, कोई हिंदी नहीं बोलता, तो हिंदी में रसिया के व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो मेरे यूट्यूब चैनल को। यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत फंटास्टिक लाइफ है यहाँ की समर्स में स्पेशली, तो उसके लिए। ये देखो यहाँ पर ये पार्क है, इस पार्क में धुलाई कर रहे हैं रास्ते पर लोगों के लिए, मिट्टी वगैरह आ जाती है और पेड़ों पे इनके पत्ते वगैरह गिरते हैं, इसके लिए ये टाइम से आते हैं पूरे इसको धुलते हैं। और अभी सर्दी का माहौल बिल्कुल क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पिछले व्लॉग्स में जब गर्मी थी तो कितनी भीड़ थी, और अब कोई भी नहीं है। चलो चलते हैं, यहाँ से भी निकलते हैं, क्योंकि अगर लोग आ गए इधर बैठते हम थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते, लेकिन अभी चलते रहते हैं और देखते हैं कहाँ लोग हैं कहाँ नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है, यहाँ के लोगों के होने और न होने से कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना अच्छा है, मस्त है। ये देखो ये जो पीछे दुकान है हमारे, ये कॉफ़ी शॉप है और इन्होंने बहुत मस्त बना रखी है, शीशे वगैरह लगा के, ग्लास वगैरह, बहुत लग्जरी टाइप। तो यहाँ पर अगर लोग भी नहीं है तब भी अगर आप घूमने आओगे या घूमते हैं हम जैसे स्ट्रीट्स पर, तो बहुत मस्त लगता है इधर। यहाँ की एक बहुत बड़ी खासियत ये है, जैसे अभी सर्दी है देखो इधर चारों तरफ कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आधे घंटे बाद और 1 घंटे बाद यहाँ पर धूप होगी ना, तो पता नहीं बहुत सारे लोग कहाँ से आ जाते हैं। ये लोग सर्दी की वजह से परेशान रहते हैं, ये इंतज़ार करते हैं कब गर्मी हो तब हम घूमने जाएँ क्लब्स वगैरह घूमने के लिए। और मेरे लास्ट व्लॉग में मैं गया था यहाँ के क्लब्स वगैरह कैसे हैं उसके लिए, अगर आपने नहीं देखा व्लॉग तो जाके देख सकते हो। तो यही, अगर यहाँ पर आधे घंटे 1 घंटे बाद धूप आ गई तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। जब गर्मी आई थी यहाँ पर, पिछले कुछ व्लॉग्स देखे होंगे आप लोगों ने, तो यहाँ ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पर इम्पोर्ट करवा लिए हैं, मतलब पता नहीं कहाँ से बहुत सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पर इंजॉय करने के लिए, स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो ये यहाँ की बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है जैसे अभी आज सर्दी अगर आप लोग आओगे तो पूरे दिन आपको ऐसा ही मिलेगा जैसा अभी है, कोई नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पर बिल्कुल भी धूप निकलेगी तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे हमारी तरह। अभी मैं पहुँच गया हूँ, देखो यहाँ पर इतने स्कूटर, ये जगह होती है ना यहाँ पर, ऐसे पता है यहाँ लोग आएंगे या फिर ये बस स्टैंड वगैरह है यहाँ पर लोग आएंगे, इसलिए ये लोग रख जाते हैं। और मैंने स्कूटर अपना रिजर्व किया था ये वाला 1K 774। चलो चलते हैं इससे लेके। ये देखो ये स्कूटर है हमारे, यहाँ पर ऐसे रख जाते हैं स्कूटर्स। और रसिया में कहीं भी आपको 1-2 किलोमीटर के लिए ज़रूरत हो तो मैं यही कहूँगा ये वाले स्कूटर लेना, तो ये हर जगह मिल जाएंगे रसिया के
किसी भी पार्ट में। चलो चलते हैं, इसको लेके कहीं भी जा सकते हो और ये बहुत सस्ता है। अगर 1-2 किलोमीटर आपको जाना तो ये टैक्सी से बहुत सस्ता पड़ेगा और रसिया के किसी भी पार्ट में मिल जाएगा। चलो चलते हैं इससे अब घर, थोड़ा सा टूर करते हैं। और ये देखो यहाँ पे इतना आसान है इसको चलाना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लोग बाग चलते हैं इनके लिए। देखो ये ट्रैक बना है, इस हमारी सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें कहीं रोड वगैरह पे नहीं आना, ये ट्रैक बना है, इस पे आराम से जा सकते हैं, मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ना ट्रैफिक मिलेगा ना कुछ मिलेगा। और इसकी स्पीड भी कंट्रोल होती रहती है अपने आप, जैसे थोड़े टाइम तक उसको पता है कि चल रहे हैं और कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं है तो बहुत अच्छे से स्पीड कंट्रोल होती रहती है। जैसे अभी ये फुल स्पीड में चल रहा है और अगर मैं ब्रेक मारूंगा तो इकोनॉमी उसमें आ जाएगा, तो बहुत स्लो स्लो चलेगा। तो जिनको चलाना नहीं आता उनके लिए भी बहुत आसान चीज़ है ये। चलो आज हम आपको दिखाते हैं स्कूटर से कैसा लगता है, हमारी सिटी कैसी लगती है। और यही ऐसी ही लगेगी आपको रसिया की हर एक सिटी अगर आप घूमना चाह रहे हो और स्कूटर लेते हो आप तो। और इनको कहीं से भी निकाल सकते हैं, साइकिल से भी अच्छे चलते हैं इसलिए टेंशन नहीं होती, बहुत मज़ा आता है। कितनी आसानी से क्रॉस करके आ गए, तो ये यहाँ पर बहुत सारे खड़े हैं। अभी स्कूटर मैंने छोड़ दिया अपना, मैं इधर क्रॉस करके आ गया क्योंकि मुझे काम है। और देखो इन लोगों को हनीकॉम दिख रहा है ना, इन लोगों को कितना अच्छा लगता है सेहत वगैरह। देखो ये किसी ने अपने घर पर डिज़ाइन करवा रखी है। तो अभी चलो चलते हैं। तो फाइनली मुझे बहुत मज़ा आया, आई होप आप लोगों ने जो भी वीडियो देखी हमारे व्लॉग में स्कूटर से जब हम घूम रहे थे बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत फंटास्टिक रहा और हम तो इधर चलाते रहते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा सामान लेना है मार्केट से, तो घर के पास में ही मैंने स्कूटर छोड़ दिया जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो चलो चलते हैं मार्केट में अंदर, वहाँ से कुछ सामान लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं घर के लिए क्योंकि मैं अभी लगभग घर पहुँच ही गया। और ये देखो ये लड़का जा रहा है, ये पैर वाला स्कूटर लेके जा रहा है। यहाँ पर बच्चे स्कूटर्स वगैरह बहुत चलाते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों को आदत होती है स्कूटर्स चलाने की, इसीलिए यहाँ पर ये रेंट टाइप के स्कूटर्स मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर सब लोग चलाते हैं। यहाँ पर मज़ा भी बहुत आता है जैसा कि आप लोगों ने देखा वीडियो में, तो बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को भी देखने में। ये आ गई मार्केट हमारी, तो चलो ये लोग आए हैं निकल के, ये है हमारी मार्केट का गेट, इसमें चलते हैं अंदर सामान वगैरह लेते हैं। हाँ जी, तो अभी मार्केट में आ गया मैं और ये वो मार्केट है जहाँ पर हम पहले कभी नहीं आए क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट वगैरह और वो सब आप लोगों ने देखा होगा पहले मेरे ब्लॉग में। और ये वो मार्केट है जहाँ पर आए नहीं, तो चलो आज इस मार्केट को भी देखते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि ये तो होता ही, हम कुछ भी लेने आते हैं तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जो चीज़ हम लेने आए सिर्फ वही लेके जाएं। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, देखते हैं क्या कुछ मिलता है लेके, तब फिर घर के लिए निकलेंगे। देखो इस मार्केट में एक नई चीज़ ये मिली है कि यहाँ बीज मिल रहे हैं किसी चीज़ के, खीरे वगैरह के लिए, तरबूज वगैरह के लिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास जगह है या फिर तो अपने घर पे कर सकते हो तो ले सकते हो, क्योंकि यहाँ के लोगों को फूल वगैरह बहुत पसंद है। तो देखो फ्लावर्स के, इतने सारे फ्लावर्स के इनके यहाँ पर बीज मिल रहे हैं, अगर तुम्हें घर पे लगाना है अपने छोटे पॉट्स वगैरह में तो तुम लगा सकते हो। हाँ जी, तो शॉपिंग हमेशा की तरह हो गई है, शॉपिंग ही हो जाती है हमारी क्योंकि एक चीज़ लेने जाता हूँ मैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ले आता हूँ। लेकिन आज मैं लेके आया हूँ बहुत काम की चीज़, आज मैं लेके आया हूँ टमाटर के और मिर्च के बीज यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बहुत महंगे मिलते हैं और अगर मिलेंगे भी तो जैसा मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि डिब्बे में बंद मिलेंगे, यहाँ पर जो भी सब्जियाँ मिलती हैं वो डिब्बे में बंद मिलती हैं, इसलिए मैं बीज लेके आया हूँ। देखते हैं होते हैं कि नहीं, आइडिया है नहीं बिल्कुल कैसे होते हैं और कभी किया नहीं है, लेकिन हाँ चलो ये है कि दिख गए थे वहाँ पर तो मैं ले आया। और अभी यहाँ से बस थोड़ी सी दूर मेरा घर है, निकलते हैं घर के लिए। हाँ जी, तो आज का दिन बहुत ही बेहतरीन गया, हालांकि ये थोड़ी सी यहाँ पर धूप वगैरह नहीं निकली लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और सामान वगैरह हम जो लेके आए स्कूटर चलाया बहुत ही मस्त रहा, जो हमने बीज खरीदे आज मैंने मिर्च के और टमाटर के, चलो चल के देखेंगे उनको, प्लांट करेंगे फिर क्या रिजल्ट मिलता है फिर देखेंगे आगे। तो इसी के साथ अभी मैं पहुंच गया हूँ अपने घर। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे डेफिनेटली एंड होपफुली कुछ अच्छा लेकर, तब तक के लिए आप मजे लीजिए।
बाय एंड टेक योर केयर।